जैसा भी हम लोग पिछली डेट में भी लगातार सभी लोग देख रहे हैं कि अपना केस जो है वो आज फिर से ही सुनवाई हो रही है, क्योंकि लिस्ट में जाने के बाद तो नंबर ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आज भी सुबह हम लोग सबसे पहले 9:45 10:30 बजे ही आ गए थे, और पहले ही मेंशन करवा दिया गया था केस, और इसी वजह से ही अपनी केस की सुनवाई हुई। अदरवाइज अगर आज उम्मीद मेंशन ना कम है, होती अपनी जो मुकदमा है तो आज उम्मीद कम था। उम्मीद क्या होती ही नहीं, कहाँ टेका भी कहाँ हो रहे थे, केवल मेंशन केस ही लिए जा रहे थे। ठीक है, तो साथियों आज पहले तो हमारी तरफ से यही बहस हुई कि लॉर्डशिप इस मैटर को डिसाइड कर दिया जाए, तो कोर्ट ने वही रटा रटाया, कहा कि आज तो काफ़ी केस थे फ्रेश, तो थोड़ा सा समय कम बचा है। तो हमारी तरफ से यही आर्गुमेंट हुआ कि साहब अगर ये लिस्ट रिवाइज कर देंगे तो फिर हम लोग ढक्कन हो जाएंगे, हम लोग कहाँ के रहेंगे, जबकि हम लोग पूरी तरीके से सही हैं। तो कोर्ट ने अपने मुकदमे को सुना कि भाई आखिर किस तरीके से आप लोग सही हो। तो उस पर सुदीप सेठ साहब ने भी बहस की, और लास्ट टाइम एक दो और सीनियर्स थे अरसठ सौ की तरफ से भी, उन्होंने थोड़ा बहुत बोला एक लोगों ने, ठीक है, अन्य किसी ने नहीं बोला, क्योंकि शुरुआत हर बार हम ही लोग कर रहे थे, क्योंकि मेंशन केस भी हमारा ही था, तो लीडिंग हमारी थी। जाहिर सी बात है जो हम ही लोग जब मेंशन कराए तो हमारा ही सुना जाएगा पहले। तो कोर्ट ने पहले तो जब पहली बार अपना मुकदमा टेकअप हुआ तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो अपने अधिकारी हैं उनसे जो है फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो चूंकि रणविजय साहब भी थे तो उन्होंने सीनियर्स को आगे कर दिया कि साहब संजय वसीत साहब हैं नहीं, उनको हम बुला लाते, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो उनको बुलाया गया, वो जब आए तो वो भी घुमाने फिराने वाली बात करने लगी, लॉर्डशिप हमको पता नहीं है कि कर रही कि नहीं कर रही है। तो फिर कोर्ट ने पूरी तरीके से हमारे आर्गूमेंट से सहमत होते हुए जजमेंट में लिखवा दिया है कि 2 दिन के अंदर, आज तो बृहस्पति और शुक्र शनि रवि, 3 दिन है ना, 3 दिन में आप अपने अधिकारियों को चाहे फ़ोन करिए, फैक्स करिए, खुद जाइए, 3 दिन में आकर के हमको बताइए कि आप लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं या कुछ एक्शन जो रिट कोर्ट का है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आप करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, और अगर आप करने जा रहे हैं तो जो हमारे सामने बच्चे आए हैं इनको हम प्रोटेक्शन देंगे। ये कोर्ट ने स्पष्ट ओरल में भी बोला है और जजमेंट में भी लिखवा दिया है कि आप लोग इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए। हाँ हाँ, तो कोर्ट ने ये जजमेंट में अपने लिखवा दिया है आज के जजमेंट में कि जो भी अधिकारी हैं वो रिट कोर्ट के डिसीजन के पार्श्वांश में कोई एक्शन लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मोटा मोटा हम लोगों के सारा फेवर की बात ये है कि अगर स्टेट ये लिख के दे दी कि हम रिट कोर्ट के जजमेंट के पार्श्वांश में कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, अगर स्टेट ने कहा तो तुरंत स्टे, आज भी कोर्ट ने बोला है कि हम मंडे हो जाएगा पर फिर। ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो मंडे में हो जाएगा, अदरवाइज स्टेट से कोर्ट ने अंडरटेकिंग मांगी है। अंडरटेकिंग ये मांगी है कि आप या तो अगर रिवाइज करोगे तो हम स्टे करेंगे, अदरवाइज आप ही अंडरटेकिंग हमको दो कि हाँ हम रिट कोर्ट के ऑर्डर के पर्सुआंस में कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, अगर करने जा रही है तो कोर्ट हम लोगों को प्रोटेक्शन दे देगी और ऑपरेशन पर स्टे कर देगी, और अदरवाइज स्टेट खुद ही लिख करके दे दे कि हम सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ कुछ। तो आज जो हमारी सुनवाई रही, तो अभी तक जो हम लोग लगातार इधर प्रयास हो रहा था सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ कि क्या किया जाए और कैसे उस पर ऑपरेशन पर रोक लगाई जाए, तो वो आज लगभग लगभग 99% हम लोग सफल सफल रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया या तो स्टेट खुद लिख कर, तो अदरवाइज कोर्ट हम लोगों को प्रोटेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो फिलहाल निष्प्रभावी होने जा रहा है। ठीक है, बाकी जो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी बातें भास्कर भाई ने डिस्क्लोज कर दिया है, हम लोगों का जो पहले से ही ब्रीफिंग थी इसी मुद्दे की ब्रीफिंग थी कि जो समर वेकेशन होने जा रहा है उस समर वेकेशन के दौरान अगर स्टेट कुछ करना चाहती है तो मुझे प्रोटेक्शन दे दे, अगर वो नहीं करना चाहती है तो एफिडेविट फाइल करे कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं और नहीं करने जा रहे, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट चल रहा है या लास्ट वीक चल रहा है जून मई का, और जून में समर वेकेशन है तो लिहाजा ये अब सोमवार के बाद उम्मीद है कि अगली डेट जुलाई में शायद पड़े, तो
तो उस जुलाई में हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जुलाई में पहले सप्ताह में लग करके उस दिन डिसाइड हो जाए, या फिर स्टेट ये बात को बता दे कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं तो जुलाई में हमारा डिसाइड होगा। अगर वो कुछ करने जा रहे हैं तो उसी मंडे ट्यूसडे थर्सडे में फाइनल हेयरिंग करा करके मतलब कि इसको जो है डिसाइड किया जाए। अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि ये जो सिंगल बेंच का जजमेंट है ये टिकेगा नहीं डीबी में, हम लोग इस पर जीतेंगे और ये हो जाए चाहिए साथियों के फेवर में। लिहाजा आज की बहस से ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे सरकार अगर कहती मैं कुछ नहीं करने जा रहे हैं तब भी हम लोगों की जीत है, अगर कहती है हम कुछ करने जा रहे हैं तो हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और रही बात खास ये कि जितने भी साथी अभी तक कोर टीम से जुड़े हुए हैं, अभी तक जितने भी साथी कोर टीम के साथ में जुड़े हुए थे सभी की अपीलें कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी बाकी नहीं है जो छूट गया हो। सभी को स्पेशल अपील के थ्रू ही जोड़ दिया गया है, सभी को स्पेशल अपील नंबर मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला होगा तो हाई कोर्ट की साइट पे चला जाएगा, आज की काज लिस्ट उठा लेगा और देख लेगा कि 172/2023 महेंद्रपाल एंड अदर्स के साथ में जितनी भी कनेक्टेड है वो अपनी अपील को देख सकते हैं, उसमें नंबर स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बावजूद अगर किसी को कोई समस्या या कोई दिक्कत आती है तो जो मेरा नंबर है या भास्कर का नंबर है उस पर मैसेज ड्राप करके जानकारी ले लेंगे। और ये कह सकते हैं कि आज हम लोग जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था 13/3/23 को, उस दिन थोड़ा हम लोगों को निराशा ज़रूर हाथ लगी थी, लेकिन आज के आर्गुमेंट्स के उपरांत ये प्रतीत हो गया है कि ये जो सिंगल बेंच का 13/3/2023 का जो जजमेंट है वो अब ज़्यादा दिनों के लिए जीवित नहीं रहेगा, जल्द ही उसका जो है अंत हो जाएगा। जो कुछ लोग ये कह रहे थे अब टेट को हम जो है जो व्यक्ति लाभ ले लिया है वो उसको भी हम बाहर करवाएंगे, तरह तरह की बातें जो कह रहे थे आज के कोर्ट में रहे, आज उनके बहस के जब सुन रहे थे वो लोग तो उनके चेहरे को देखने वाला था। खैर, जब तक हम लोगों को पूर्ण सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम लोगों को उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोर टीम आपके लिए बाखूबी लड़ रही है, सिस्टमेटिक ढंग से लड़ रही है, यही कोर टीम आज नहीं तो कल आप लोगों को सफलता दिलाने में सफल होगी। अब आर्डर अपलोड हो जाने के उपरांत अगर कोई इसमें एडिशनल चीज़ें लिख करके या कुछ आती है तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा वाया लाइव के माध्यम से, अन्यथा की स्थिति में जो मंडे के